हेलो गाइस, व्हाट्स अप। माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम निशड़ी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक कंप्लीट करने वाले हैं, एंड ये आज एक्सरसाइज फाइनल होने वाला है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने पूरी बेसिक कंसेप्ट बताया था सेट के ऊपर, और कुछ एग्जाम्पल भी दिया था, और पहला क्वेश्चन करवाया था एक्सरसाइज का। तो आज उसके आगे से कंटिन्यू कर दूँगा। तो अगर आपने पुराने वाले वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप वो वाली वीडियो नहीं देख के आएंगे तो इसमें आपको थोड़ी सी डाउट हो सकती है। तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा गया है इसमें, लेट ए बिलोंग कर रहा है, मतलब एक सेट है। क्या है उस सेट में? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 6 नंबर है उसमें, 1 से लेकर 6 तक। और इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, इसको हम लोग बिलोंग्स टू कहते हैं और इसको हम लोग नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं। क्या होता है बिलोंग्स टू? जैसे कि आप किसी फैमिली में रहते हैं, तो आप, बहुत लोग आपसे कहते हैं कि आप उस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब आप उस परिवार का हिस्सा हैं। ठीक, आप उस सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं, आप उस सोसाइटी का हिस्सा हैं। और अगर मैं कह दूँ कि आप एक सोसाइटी है जिसका, जिसमें आप नहीं रहते हैं, तो सब लोग कहेंगे कि आप उस सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते हैं, आप एक अच्छे परिवार से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसको आप ऐसे लिंक कर सकते हैं कि बिलोंग करने का मतलब कि कोई भी नंबर, कोई भी एलिमेंट, या तो कोई भी वर्ड है, कोई भी एलिमेंट है जो उस सेट से, सेट में हो, तो उसको हम लोग कहते हैं बिलोंग कर रहा है। अगर वो सेट में नहीं दिख रहा है आपको तो नहीं बिलोंग करता है। तो इसी सेट एक के ऊपर कुछ 6 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो जैसे देखिए, आप दिया गया है कि 5। अब इस ब्रैकेट में हम लोग, मतलब इस गैप में हम लोग क्या फिलअप करें, बिलोंग्स टू कि नॉट बिलोंग्स टू, 5 सेट ए में है कि नहीं है, आपसे बस ये पूछ रहा है तो बिलोंग्स टू लगाइए, अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू लगाइए। ऑब्वियसली है, 5 यहाँ पे आपको दिख रहा है, सेट में है, तो बिलोंग्स टू ऐसे आप लिख दीजिए। अब वैसे 8 आपसे पूछ रहा है, 8 इस सेट में आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो यानी कि नॉट बिलोंग्स टू लगाइए। एंड 0 आपसे पूछ रहा है, तो 0 भी आपको नहीं दिख रहा है, तो इसमें भी होगा नॉट बिलोंग्स टू। वैसे यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए, 4 यहाँ पे आपको दिख रहा है इस सेट के अंदर, सेट के अंदर जो होगा उसको हम लोग देखेंगे, तो ये आपका बिलोंग कर रहा है। 2 भी आपका बिलोंग कर रहा है। 10 आपका बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर तक ही है और इसके बीच में कहीं 10 आपको नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि बहुत जगह आपको बस सिंबल ये दे दिया जाएगा कि ये है इस सेट का, ये एलिमेंट है, अब क्या बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आपको ये देखना है। आगे आगे आपको क्वेश्चन है, ये बेसिक है, मतलब कि ये सब आप सेट के बारे में जान रहे हैं। 1.1 में आप बस सेट के बारे में जानेंगे कि सेट क्या होता है, सेट का यूज क्या है। देखिए, आप जैसे आगे जाएंगे तो आप आगे, आपको ये नहीं लिखा रहेगा कि इसमें आप लिखिए ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं, इट बिलोंग्स टू दिस, ये सब आपको नहीं लिखा, बस सिंबल के द्वारा आपको पता चलेगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और आपको रोस्टर फॉर्म में आपको इसको राइट करना है। तो इस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं पहला वाला वीडियो, या तो आपको पता नहीं है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो आप पहले मेरे प्रीवियस वाली वीडियो देख के आइए, तो आपको एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें एग्जांपल के थ्रू भी बताया है आप, क्योंकि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ऐसा एग्जांपल मैंने दिया था। तो इसमें एक सेट दिया है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इस क्वेश्चन, यहाँ से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर गया है। तो देखिए, यहाँ पे आपसे बोला है कि ए सेट है, एक सेट का नाम ए है, उसमें आपसे बोल कह रहा है कि एक्स इज एन इंटीजर, एक्स जो है वो एक इंटीजर है, और वो इंटीजर किसके बीच में है, 3 के इक्वल है या तो उससे, और उससे बड़ा है, और 7 से छोटा है, -3 के इक्वल और उससे बड़ा है और 7 से छोटा है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इक्वल है कि नहीं है, इक्वल का साइन है तो आप 3 को, -3 को इंक्लूड करेंगे, अगर यहाँ पे देखिए जैसे इक्वल का साइन नहीं है तो आप 7 को इंक्लूड नहीं करने वाले। अब इसको रोस्टर फॉर्म में, मतलब लिस्टिंग फॉर्म में,
मतलब इसको लिस्ट करिए, जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक सेट ए है जिसको हम लोग लिस्ट कर रहे हैं, अब माइनस थ्री है तो माइनस थ्री को इंक्लूड करिए, इंटीजर है ये भी इंटीजर है ठीक है, फिर माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। अब सेवन नहीं लिखना है, सेवन से छोटा है मतलब सेवन उसमें इंक्लूड है ही नहीं, बस यहीं ब्रैकेट क्लोज करिए, आपका आंसर है। अब देखिए इसमें बहुत ही, इसमें दो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, सबसे पहले एक्स इज एन इंटीजर एंड वो किसके बीच में बिलोंग कर रहा है वो भी आपको दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से इजी हो जाते हैं। और मैं इसका पूरा क्वेश्चन नहीं करवाने वाला, इसमें कुछ क्वेश्चन है अबाउट सिक्स क्वेश्चन है, तो सिक्स में से मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा सकता हूँ जो अलग अलग टाइप के हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिए हैं थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन है, आप सेकेंड क्वेश्चन अपने ट्राई करिएगा, उसमें देखिए बोला क्या है मैं बता देता हूँ कि उसमें बोला है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स जो है नेचुरल नंबर है और वो सिक्स से कम है मतलब लेस देन सिक्स है, तो ऑब्वियसली उसमें वन से लेकर फाइव तक ही होगा, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है और सिक्स से जब बोल दिया है कि कम है तो आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे सिक्स को, अबाउट फाइव ही इसमें एलिमेंट रहने वाले, वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है, तो फाइव तक आपके एलिमेंट रहेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग ने लिया है, मैंने थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मतलब लेंदी क्या, आप इसमें थोड़ा सा माइंड यूज करिए कि एक्स इज अ टू डिजिट नेचुरल नंबर, एक्स यानी कि टू डिजिट नेचुरल नंबर है, यानी कि आप वन से लेकर पूरा इन्फिनिट तक लेके जा सकते हैं, वन से लेकर हंड्रेड के बीच में 99 तक, और उसमें भी एक कंडीशन बोला गया है सच डैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज एट, आप ऐसे नंबर को लीजिए कि उसके दो डिजिट रहेंगे तो दो डिजिट को अगर सम करें तो वो एट आए, तो लिख लेते हैं पहले हम लोग यहाँ पे सेट का नेम लिखते हैं, सी सेट है, तो सी सेट में आपको देखिए जैसे पहला आता है 17, वन और सेवन एट हो जाता है, फिर आता है 26, टू और सिक्स एट हो जाता है ठीक, फिर थ्री फाइव, फिर फोर फोर ठीक, फिर फाइव थ्री, फिर सिक्स टू, फिर सेवन वन, फिर एट जीरो, हो गया पूरा। अबे अब देख लीजिए कि यहाँ पे भी आपके देखिए सिक्स और टू एट ही होंगे, सेवन वन एट, एट जीरो एट ही होंगे, तो टू डिजिट नंबर नेचुरल नंबर में इतने ही होंगे जो जिसका हम लोग सम करें तो एट आए। तो वैसे ही आपके क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन आपको है कि डी इज ए सेट है, एक्स एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स जो है वो प्राइम नंबर है, और विच इज डिविजर ऑफ 60, जो 60 को डिवाइड कर सकता है ठीक है, एक्स इज ए प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर सकता है, उसमें भी एलिमेंट ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि प्राइम नंबर यानी कि 2 प्राइम नंबर हो गया जो कि 60 को डिवाइड करता है, 3 हो गया प्राइम नंबर जो कि 60 को डिवाइड करता है, और 5 हो गया प्राइम नंबर, उससे ज़्यादा नहीं है जो 60 को डिवाइड कर सके। एंड जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, अभी तक हम लोग ने दो टाइप के क्वेश्चन देखे हैं कि कैसे पूछ सकते हैं रोस्टर फॉर्म्स में लिखने के लिए, अब जो तीसरा टाइप है वो है अल्फ़ाबेट से, वर्ड से कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्ड से, तो वर्ड आपका है देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री दिया है, तो मैंने पिछले वाली वीडियो में भूल गया था मैं कि एक कंसेप्ट आपको बताना था यही वर्ड के ऊपर, तो क्वेश्चन तो आ ही गया है इसके ऊपर, तो आप अच्छे से समझिए। वर्ड में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखिए दो दो वर्ड, दो दो मतलब अल्फ़ाबेट आ चुके हैं, यहाँ पे ओ एक बार आया है तो ओ एक बार दो बार आ गया, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं ठीक, जैसे दो बार जब अल्फ़ाबेट आ जाता है तो हम लोग उसको काउंट नहीं करते हैं, एक ही बार हम लोग काउंट करेंगे, एक यहाँ आ गया एक यहाँ आ गया, तो टी हम लोग एक ही बार लेंगे, ओ भी हम लोग एक ही बार लेंगे, तो देखिए सेट कैसे बनता है, तो इसमें बोला क्या है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में सेट कैसे बनेगा, अगर आपको ऐसा वर्ड दे दे तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, टफ है ही नहीं, तो जैसे यहाँ पे पहला वर्ड आपको दिख रहा है टी, तो टी आप राइट डाउन करिए, फिर आर, आर लिख दीजिए, फिर आई,
आई लिख दीजिए, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। अब देखिए यहाँ पे ओ दोबारा आ गया, ओ हम लोग दोबारा नहीं लेंगे, उसको स्किप करेंगे। फिर एम, फिर उसके बाद ई। अब देखिए टी भी यहाँ पे दोबारा आ गया, रिपीट हुआ, तो इसको भी हम लोग स्किप करेंगे। फिर यहाँ पे आर, आर भी देखिए दोबारा आ गया यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे दोबारा आर आ गया, तो हम लोग इसको स्किप करके वाई। ठीक, ऐसे आपको सेट बनाना है। बहुत सारे ऐसे वर्ड भी आएंगे जिसमें तीन चार आपके पाँच आ जाएंगे, कोई मतलब एक ही वर्ड आ जाए, एक ही अल्फ़ाबेट रहेगा, पाँच बार आ जाएगा, चार बार आ जाएगा, तो उसको आप एक ही बार राइट डाउन करेंगे। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखिए, सिक्स क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो सेट है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड इज वर्ड बेटर, बी ई डबल टी ई आर। तो इसमें देखिए दो बार ई आया है, दो बार टी आया है, तो इसमें हम लोग बस एक बार ई लेंगे, एक बार टी लेंगे, तो बी ई टी आर। ठीक, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोग ने बहुत ही आसानी से क्लियर किया, इसमें हम लोग ने थ्री टाइप देखे, थ्री टाइप को भी हम लोग ने पूरी डिस्कस किया। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें आपसे बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें हमको लिस्टिंग फॉर्म दिया है, हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसके पहले वाले में क्या था कि हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म दिया था और हम लोग को लिस्टिंग फॉर्म में लिखना था, रोस्टर फॉर्म में। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगता है, इसमें थोड़ा सा माइंड लगेगा आपका कि कैसे हम लोग इस सेट को डिफाइन कर सकते हैं। ये सेट तो हमको दिया, ये आपको दिख रहा है, इसमें 3, 6, 9, 12 एलिमेंट है। मान लीजिए हम पहले को डिफाइन करते हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें 3, 6, 9, 12 एलिमेंट है, मतलब कि 4 एलिमेंट है, इसका नंबरिंग भी आपको पता है। पर आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, आप डिफाइन इसको करेंगे कैसे? तो मान लीजिए कोई, इसको हम लोग सेट ए मान लेते हैं, ठीक। अब आपको डिफाइन करना है इस सेट को, तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो मैंने जैसे सेट बिल्ड मतलब कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे लिखा था वैसे लिख दीजिए, एक्स एक्स ऐसे आप कर दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है कि यहाँ पे आपको कुछ सिमिलर दिख रहा है, मतलब एक ऑर्डर दिख रहा है, एक रिपीटेशन दिख रहा है कि यहाँ पे आप देखिए 3 है, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 12। ये आपको 3 का टेबल लग रहा होगा, ऑब्वियसली 3 का टेबल लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ आप देखिए 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो यहाँ पर आपको 3 का टेबल दिख रहा है, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x इज 3n हो जाएगा, 3 का मल्टीपल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप डाउट मत करिएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है यहाँ पे कि 3 जो है, मतलब कि 3 के आगे वाले एलिमेंट 3 के ही मल्टीपल हैं, 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो यहाँ तक 12 आता है, 9, 6, 12 सब आएगा। अब आप इसमें ये इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, आप इसको अगर 3n लिख देते हैं तो ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, 12 के बाद 15 आएगा, 6 मतलब उतना 18 आएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ डॉट 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 लगा रहेगा, अगर यहाँ डॉट 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 लगा रहता तो आप 3n लिख के छोड़ सकते थे, बट यहाँ बस 4 एलिमेंट है, तो आपको कहीं पे मतलब कि ये कहीं पे रुका है लिमिट, इसका आपको लिखना पड़ेगा कि क्या लिमिट है। तो यहाँ पे n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n जो है वो नेचुरल नंबर है, यहाँ पे कोई भी माइनस में नहीं है, ऑब्वियसली ये नेचुरल नंबर है, इसको आप ऐसे लिखेंगे। और जो n है, n की लिमिट क्या है, कहाँ तक वो जा रहा है, तो n 4 से छोटी है और 4 के इक्वल है, ये आपके पूरी कंप्लीट डिफिनेशन है। अब अगर आपको चेक करना है ना, तो आप इसको पढ़िए और इसके बाद इसका सेट बनाएंगे, तो आपका यही सेट आने वाला है, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा। देखिए x, x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज ए नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3 एंड n बिलोंग्स टू 4, लेस देन 4 और इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए सेट भी हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, 2, 4, 8, 16, 32। अब इसमें आप ऑर्डर ढूंढिए, ऑर्डर है ना 2, 4, 8, 16, 32, हम लोग ने बचपन में किया, तो इसमें ऑर्डर है कि आप ये 2 का स्क्वायर है,
मतलब 2 के पावर n हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वही सेम चीज़ ऐसे ऐसे आपको लिखना है कि आप उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 2 के पावर n होगा। आप अपने माइंड में एक बार सोचिए कि 2 है, 2 के पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 है तो 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 5 है 5 तक। तो यहाँ पे हम लोग ये ऑर्डर लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। एंड जो n है वो अभी भी नेचुरल नंबर है। अब मैं हर जगह नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ, वो तो क्वेश्चन ही ऐसा दिया है। आप ऐसा हर जगह नहीं करेंगे कि आप नेचुरल नंबर लिखेंगे, वो कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर माइनस है तो इंटीजर लगाएंगे, अगर जीरो है, अगर रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, तो उसके हिसाब से आप लगाएंगे। और n कहाँ तक जा रहा है, लेस देन इक्वल टू 5, ठीक, लेस देन इक्वल टू 5। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, आपको जो अच्छा लगे। ये अच्छा लगे वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से करिए, एक बार अपने से ट्राई मारिए, क्योंकि ये 1, 4, 9, 100 तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, ठीक है। अब आपको इसमें ऑर्डर दिख रहा होगा, कुछ ऑर्डर क्या दिख रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, डॉट डॉट डॉट, ये 10 का स्क्वायर है कि नहीं, ऑब्वियसली है। तो यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ मान लीजिए हम सी ले लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है एंड इसके बीच का क्वेश्चन सब इसी के सिमिलर ही हैं, मल्टीपल एक है एक स्क्वायर में है, तो उसको आप अपने से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं ले लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि एक्स इज, एक्स किसके इक्वल है, यहाँ पे n हम लिख सकते हैं, n के स्क्वायर के इक्वल है, n के स्क्वायर, n क्या हो जाएगा हम लोग का, n हो जाएगा नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर यहाँ पे भी है क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे नेचुरल नंबर ले रहे हैं। अगर ये 1 से नहीं स्टार्ट होता तो हम लोग नेचुरल नंबर नहीं लेते। फिर हम लोग जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं किया था माइनस 3 से लेकर 7 तक, वैसे हम लोग लिख सकते थे। अब ये क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ तक जा रहा है, ये 10 तक जा रहा है, 10 तक ही जा रहा है ना, देख लीजिए। अब इसको डिफाइन करिए कि x है n के पावर 2, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 9 आएगा, यहाँ 4 रखेंगे 16 आएगा, ऐसे ऐसे 10 रखेंगे तो 100 आएगा। बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाया है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में भी लिखना है। अब ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा टफ हो जाता है, कभी कभार आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं जिसको आप जल्दी नहीं डिफाइन कर पाएंगे, तो उसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस आप जैसे जैसे करेंगे आपकी कंसेप्ट उतना क्लियर होते जाएगा किस टाइप के आते हैं क्वेश्चन। ये तो NCERT का क्वेश्चन है, NCERT में आपको बस एक दो क्वेश्चन ही दे देगा। आई होप आप साइड बुक लिए होंगे, तो साइड बुक से आपकी प्रैक्टिस कंसेप्ट मजबूत होता है, और कंसेप्ट मजबूत करने के लिए NCERT के सारे एग्जाम्पलर मिसलेनियस सभी लगाने जरूरी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अब जो हम लोग का 5 क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में हम लोग से क्या बोल रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है। अब मैंने बोला था कि उसमें टेबलर फॉर्म या तो रोस्टर फॉर्म या तो लिस्टिंग फॉर्म, ये आप तीनों में से चाहे जो भी आपसे पूछे, तो आपको लिस्ट ही करना है, मतलब लिस्टिंग फॉर्म ही लिखना है या तो रोस्टर फॉर्म ही लिखना है। तो इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ए एक एलिमेंट है, जैसे मैंने तीसरा थर्ड क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है। तो इसमें मैं सारे क्वेश्चन नहीं करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करूँगा। तो एक्स इज एलिमेंट है, मतलब एक्स एलिमेंट है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब देखिए ये ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं स्टार्टिंग से। और सारे हैं, मतलब कि ये कहीं इसका लिमिट नहीं दिया है, तो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो जैसे पहला ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 है, फिर 3 हो जाता है, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, ऐसे ऐसे आपका चलता जाएगा। आप ऑड भी लिख सकते हैं या तो इतने पे ही क्लोज कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। अब मैंने यहाँ डॉट 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 इसलिए दिया है क्योंकि ये
इसका लिमिट ये क्वेश्चन में बोला ही नहीं है इसका लिमिट कि कब इसको रोकना है, तो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, सेट बी हम लोग को दिया है, एक्स एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है और वो किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, माइनस वन बाई टू और नाइन बाई टू। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखा है, अगर फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करें। जैसे माइनस वन बाई टू को हम लिख सकते हैं माइनस पॉइंट फाइव लिख सकते हैं, और माइनस नाइन बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं कि फोर पॉइंट फाइव लिख सकते हैं। अरे काट लो ना, ये टू से नाइन काटेंगे तो फोर बार में जाएगा, पॉइंट लगाएंगे जीरो जाएगा तो टेन हो जाएगा, टेन फाइव कट जाएगा कैंसिल। तो अब इसके बीच में एक्स बिलोंग कर रहा है, इसके बीच में एक्स बिलोंग कर रहा है, अब इसके बीच में इंटीजर क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग सेट के लिए ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, फिर उसके बाद जीरो आएगा इससे बड़ा, माइनस पॉइंट फाइव से तो बड़ा जीरो आएगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट लिखते जाइए आप, वन आएगा टू आएगा, वन आएगा टू आएगा, थ्री आएगा फोर आएगा, बस नेम क्लोज कर दीजिए। अब फोर के आगे किस लिए नहीं आएगा, फोर के आगे फाइव आएगा, फाइव तो इसके मतलब 4.5 से 5 बड़ा ही है, तो हम लोग उसको इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे साइन भी नहीं दिया गया है कि इक्वल टू ये सब, तो हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करते। तो आई होप कि आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की एक्सपीरियंस हो गया होगा कि आप कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको एक अंदाज़ा लगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो मैंने एक क्वेश्चन और लिया है कि सेट ई है जिसमें एक्स क्या है, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर, ईयर का मंथ है कोई, और उसमें 31 डेज नहीं होने चाहिए, ऐसा मंथ है जिसमें 31 डेज ना हो। तो सिंपल हम लोग पहले वो लिखते हैं, सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, फिर उसके बाद अब बोलिए कौन कौन से मतलब मंथ में 31 डेज नहीं होते हैं, स्टार्टिंग से फेब में नहीं होते हैं, फेब्रुवरी तो लिख दीजिए, फेब्रुवरी में नहीं होते हैं, फिर उसके बाद अप्रैल में नहीं होते हैं, फिर अब कौन से में नहीं होते हैं, जून में नहीं होते हैं, जुलाई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, सितंबर में नहीं होते हैं, फिर नवंबर में नहीं होते हैं। ये हम लोग का सेट हो गया। अब इसमें फाइव सेट मतलब फाइव एलिमेंट है, अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, फाइव, तो फाइव एलिमेंट वाला सेट हम लोग का बन गया। अब ये कंडीशन पे ये अप्लाई हो रहा है, तो ऐसे ही लिस्टिंग फॉर्म में करना है आपको, बहुत ज़्यादा वो नहीं दिखाना है। अब जैसे सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछा क्या रहा है कि एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड के, अब के को छोड़ के इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी कॉन्सोनेंट है उसका सेट बना दीजिए, ए से लेकर पूरा जेड तक बना दीजिए, बस उसमें वॉवेल नहीं आने चाहिए, कॉन्सोनेंट नहीं आने चाहिए। देखिए इसमें वॉवेल बोला नहीं है पर कॉन्सोनेंट बोला है ना, तो सिर्फ कॉन्सोनेंट ही आप लेंगे, तो वॉवेल नहीं आने चाहिए और के नहीं आना चाहिए, बाकी सब आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, लिस्टिंग फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि 1.1 बस एक कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज है कि आपका बेस स्ट्रांग करे, आपके सेट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको देखे। असली खेल 1.2 से स्टार्ट होने वाला है, तो उसका वेट करिए। तो लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो इसमें बोला कि लेफ्ट में आपके कुछ मतलब रोस्टर फॉर्म के सेट दिए गए हैं और राइट में आपको सेट बिल्डर फॉर्म के सेट दिए गए हैं, तो आपको उसमें मैच करना है कि कौन सा सेट किसके लिए सही है। तो पहला देख लीजिए 1, 2, 3, 6 का सेट है। अब आपको राइट साइड में देखिए, आपको दिख रहा होगा कहीं पे कि कौन कौन सा सेट इसके लिए एप्लीकेबल है। तो पहला ही देख लीजिए, एक्स एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अब जैसे देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन भी दिया है कि 2 और 3, लेफ्ट साइड में देखिए 2 और 3 दिया है, तो आप इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे, मतलब कौन सा नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर में आपका 1 से लेकर आता है 6 तक, और प्राइम नंबर बस 2 से 3 मतलब 2, 3, 6 का डिवीजर है, तो ऑब्वियसली पहला का होगा तीसरा सी और दूसरे का होगा पहला,
ए। एंड जो तीसरा रोस्टर फॉर्म है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पूरा स्पेलिंग नहीं दिया गया क्योंकि मैंने बोला था कि जो टर्म दो बार आते हैं तो उसको रोस्टर फॉर्म में वन टाइम ही लिखा जाता है। तो इसमें तो सिंपल है, आपका लिखा है डी वाला, देखिए आप पढ़िए एक बार कि एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का सीरियस लिख दिया मैथमेटिक्स। फिर जो चौथा क्वेश्चन है हम लोग का वो है 1 3 5 7 9। अब ये जो ये आपका क्या कह रहा है कि एक्स एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम ऑड नेचुरल नंबर है। तो सही है, इसमें इवन है ही नहीं एक भी, 4 ना ये ना 6 है ना 8 है ना 2 है, तो ऑब्वियसली ऑड का ही सेट है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे आपको, ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप नेक्स्ट एक्सरसाइज से आएंगे, जब मैं उसका पूरा बेसिक बताऊंगा। आपके कितने टाइप होते हैं टाइप भी बताना पड़ेगा, तो टाइप बता के उसका एग्जाम्पल सभी का देकर तब मैं कंसेप्ट पे जाऊँगा, मतलब एक्सरसाइज पे जाऊँगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है एंड उससे सीखने को आपको मिल रहा है कि मतलब कि कैसे 11 को टैकल करें, 11 को हैंडल कैसे करें। बहुत ही इजी इजी वे में मैं समझा रहा हूँ, और मैं जैसे समझा था अपने टाइम पे तो वैसे ही आपको भी समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ऐसे रेगुलर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक करिए इस वीडियो को ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से बताऊं। और जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, जो जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट हो, उस पर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ऑब्वियसली उसका रिप्लाई दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता सकता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।